hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me, Jafar Abbas. So guys, how are you all? I hope you all are doing great. Main bhi theek hoon, alhamdulillah, sabhi ki duaon se. So guys, today is 19th of August and kafi dinon se maine koi vlog nahi banaya. Haan, challenges aa rahe hain, har Saturday ko aayenge aur aap log zarur dekhiyega challenges. Lekin normal koi vlog main nahi shoot kar raha hoon. So aaj main finally kuch shoot kar raha hoon. 19th of August aaj, to aaj अब बात करते हैं आज के ब्लॉग में होने क्या जा रहा है. तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि आज के ब्लॉग में होने जा रहा है. अगर आप लोगों को कुछ पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी तो वो यहाँ पे मंदिर है पास में, इस वजह से वो आज जन्माष्टमी है तो इस वजह से कुछ बज रहा है. तो उसको मैं प्लीज़ उसको थोड़ा वो करिएगा, इग्नोर करिएगा बैकग्राउंड आवाज़. लेकिन या तो आज मैं अपने हाथों से खुद तबर्रुक के लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ. क्या बनाने जा रहा हूँ वो है टिक्की, आलू टिक्की. तो मैंने सोचा आज आलू टिक्की बनाते हैं और तबर्रुक में सबको बांटते हैं. तो कितनी बनती हैं, कैसी बनती हैं, क्या बनती हैं, सब लोग आपको पता चलेगा. वैसे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और फिर देखते हैं क्या होता है. सो गाइज, यहाँ पे मैंने पोटैटोज बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और अब देखिए बॉयल हो चुके हैं. अब मैं इसका, मैंने फ्रिज में रख दिए थे आधे घंटे के लिए. अब मैं इसका जो छिलके होते हैं वो सब उतार रहा हूँ क्यों, और फिर देन उसके बाद इसको अच्छे से इसको कूटेंगे ताकि इसमें जो भी गांठें वगैरह होती हैं वो ना हो. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मुझे मतलब टाइम लग रहा था और काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि बहुत सारे आलू हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे जो टिक्की बहुत सारी बनानी है, तो लगभग 30 to 35 के आसपास. तो देखिए मैं धीमे धीमे अभी कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड था. देन फिर जब ये सब एक साथ हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी आराम से हो जाएगा. लेकिन इसमें मुझे सच में काफ़ी टाइम लगा था ये करने में, क्योंकि मैं चाह रहा था एक भी गांठ ना रह जाए. अगर वो रह जाती है तो टिकिया में मतलब अच्छा नहीं लगता है. तो अब जब इसके बाद ये हो गया तो इसमें सारे मसाले में डालेंगे. सबसे पहले मैंने चिली डाली है इसमें. मेरे पास कोरिएंडर मैंने डालना भूल गया, कोरिएंडर भी डाल सकते थे और पुदीना भी, ये सब मैंने नहीं डाला. तो चिली डाली है, अब लेमन डालूँगा मैं इसमें. देन इसके बाद अब डालेंगे ये है सौंफ. सौंफ का पाउडर बना लिया था मैंने, वो 1 स्पून डाला है. और अब डालेंगे जीरा पाउडर, उसको ये भुना हुआ जीरा था, उसको उसके बाद पीसा भूनने के, मतलब हल्का सा तवे पे भूनने के बाद, इसको गर्म करने के बाद फिर उसमें डालेंगे 1 स्पून रेड चिली पाउडर. यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैसे भी आपके करना हो. ये मैं एकदम फूड व्लॉगर जैसे बता रहा हूँ रेसिपी एकदम, ताकि अगर आप बनाना चाहें तो आप भी बना सकते हैं. बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है क्योंकि इसमें एक अलग इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगा. तो ये डाला है मैंने 1 स्पून ओरिगैनो. ओरिगैनो को भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस वजह से मैंने सोचा ओरिगैनो भी डाला जाए. चिली फ्लेक्स मेरे पास था नहीं, इस वजह से मैंने वो चिली पाउडर डाला है. अब ये डालूँगा मैं 1.5 स्पून सॉल्ट. थोड़ा सा आप बड़ा या कम भी कर सकते हैं. तो ये मैं डाल रहा हूँ, ये राइस पाउडर है, चावल को पीस के ये 1 कप के आसपास है. लेकिन इसको मैंने थोड़ा थोड़ा कम कम करके डाला है, एक साथ सारा नहीं डाल दिया है. तो पहले थोड़ा सा डाला, फिर इसको अच्छे से अब मैं डो बना रहा हूँ. जैसे कि सॉफ्ट सा डो एक बनता है वैसे ही मैं डो बना ले रहा हूँ. तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा डो बना लिया है मैंने. और अब इसको डो को पता ही आप लोगों को क्या करना है, छोटे छोटे बॉल्स बनानी है, फिर उसकी टिक्की बनानी है. और ऐसे ही देखिए एक मैंने छोटी बॉल लेके मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को जिनको नहीं पता है. ऑफ कोर्स सभी को बताएगा यार. सो उसकी ये वाली स्क्वायर बनी थी, मतलब ये सही से गोल देखी नहीं बनी है मुझसे, बाकी देखी सारी अच्छी बनेगी. अब जो दिखाना था वही सही से नहीं बनी. सो ऐसी बना ली, फिर अब इसके बाद दूसरी ली, अब दूसरी में बनाना हूँ. ऐसी ऐसे करते करते मुझे 30 to 35 बनानी है जितनी बन जाए. तो देखिए मैंने खूब सारी बना ली, ये लगभग बनी थी 30 के आसपास बनी थी अप्रॉक्सीमेटली. ये इधर कुछ उस प्लेट में थी और कुछ ये. सो गाइज, मैंने 1.5 घंटे में ये आलू, पहले पोटैटो सारे छीले, देन मैश किया उसको, देन सारी चीज़ें मिलाई, फिर अब टिक्की बनाई. तो 1.5 घंटे में ये सब हो पाया है और अब टिक्की बन गई है. थोड़ी देर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगा, फिर उसके बाद इसको सेकेंगे. और मतलब मैं फ्राई नहीं करूँगा, डीप फ्राई नहीं करूँगा, मतलब सेकूँगा मैं. तो अब चलिए सेकते हैं, पहले फ्रिज में रखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सेकते हैं.
सो अब चेक कर लेते हैं गाइस कि नीचे से कितनी सिक्की हट गई है। तो मैंने ये पलटी और देखी, नहीं अभी वैसी सिक्की है, अभी थोड़ी कम हुई, एकदम जब रेड रेड हो जाएगी तब देखिए, ऐसे जब हो जाएगी अब हो गई है, तो अब मैं सब पलट ले रहा हूँ। और ये देखिए बन के हो गई है रेडी मेरी सारी टिकियाँ। सो गाइस ऑलमोस्ट सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं, अब उनको सब वो जो कटोरियाँ उसमें सब सेटल करना है और फिर दही वगैरह चटनी वगैरह डालना है, तो वो कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं ये टिक्कियाँ रख रहा हूँ, बाय द वे मेरे हाथ एकदम साफ हैं और मैं पसीने बहुत निकल रहे हैं, वैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। जल्दी जल्दी मैं टिक्कियाँ रख देता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी कटोरियाँ और इसके ऊपर दही डालेंगे, देन चटनी वगैरह सब डालेंगे। सो फाइनली गाइज सब कुछ हो गया है, सबने अच्छे से मज़े से सबको हो गया, सबने खा लिया और पता है बच भी गई, मतलब बची नहीं है अभी, अभी तो दो चार महीने तली नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, जितनी सोची थी वैसे ही हो गई और सबको एक एक को मिल गई और सबने कहा बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। एक तो पता है क्रिस्पी बहुत थी, बहुत क्रिस्पी थी, मैंने वो राइस डाला था ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी। और मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, पसीनों से मैं तर हो गया हूँ, बहुत देर से मैं बहुत मेहनत की आज मैंने, लेकिन तब अच्छे से हो गया और काफ़ी अच्छी बन गई है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं नमक कम ना हो जाए, लेकिन नमक कम नहीं हुआ और सब अच्छे से बन गया है। सो इस व्लॉग, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने चैलेंज तो देख ही लिया होगा, मेरा प्रीवियस चैलेंज, अब सैटरडे को रेडी रख रही है, चैलेंज ज़रूर आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।